ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आज राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया ने कार्य में लापरवाही बरतने पर बड़े बचेली के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निलंबित करने के साथ ही चिरमिरी नगर निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया। स्ट्रीट लाइट वेंडर का ठेका निरस्त करने के दिए आदेश। बीजापुर जिले में कछलावारी के जंगल में 5 माओवादी गिरफ्तार। नेलसनार इलाके में प्रेशर बम की चपेट में आने से 1 जवान घायल। और बिलासपुर कटनी रेलखंड पर कल हुए हादसे के बाद आज भी प्रभावित रहा रेल यातायात। कई ट्रेनों को रद्द करने के साथ ही कुछ ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से चलाया जा रहा है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पहली किस्त के रूप में आज सभी 6111 ग्राम पंचायतों को 5,000 रूपये की राशि जारी की। योजना के तहत तीज त्यौहार मनाने के लिए हर ग्राम पंचायत को 2 किस्तों में 10,000 रूपये की राशि दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना के तहत आदिवासी बहुल 14 जिलों की 3,793 ग्राम पंचायतों को भी 5,000 रूपये की दूसरी किस्त जारी की। प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से गर्मी और लू से बचने की अपील की है। उन्होंने गर्मी और लू से बचाव के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों को जारी पत्र में गर्मी को देखते हुए जिला तहसील और ग्राम पंचायत के स्तर पर शिक्षकों स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पंचायत सचिवों और कोटवारों के माध्यम से जन समुदाय को जागरूक करने को कहा गया है। विभिन्न विभागों को दोपहर के समय बाहरी काम की आवश्यकता के मद्देनजर दफ्तर का समय बदलने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसी तरह पशु चिकित्सा विभाग को पशुओं को लू से बचाने के लिए आवश्यक दवाइयों के साथ चारे पानी का इंतजाम करने को कहा गया है। वहीं शिक्षण संस्थानों को भी अपने समय में आवश्यक परिवर्तन करने को कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों के लिए कार्यस्थलों पर छाया और पीने का पानी उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने आज रायपुर में हुई समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश के नगरीय निकाय में स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव में लापरवाही की शिकायतों के मद्देनजर संबंधित वेंडर का ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने शासकीय योजनाओं को लागू करने में लापरवाही बरतने पर चिरमिरी नगर निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और बड़े बचेली के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निलंबित करने के भी निर्देश दिए हैं। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है प्रधानमंत्री का कोरोना वैक्सीन पर विचार। लोग आवाज और सीधा संवाद यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 73वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का कोरोना वैक्सीन पर विचार, जिसमें उन्होंने वैक्सीन कूटनीति और भारत की कामयाबी की बात की है। एक दौर था जब भारत दवाओं और वैक्सीन के लिए विशेषकर पश्चिमी मुल्कों पर निर्भर था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कोरोना की महामारी से जब दुनिया घबराई हुई थी, भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे चुनौती की तरह लिया। इसका असर हुआ, भारतीय वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड समय में कोरोना की वैक्सीन बना डाली। इसके बाद हमारे उत्पादकों ने कमान संभाली और वैक्सीन की इतनी खुराकें बनने लगी कि उससे देश में कोरोना टीकाकरण तो तेज हुआ ही, भारत विदेशों को भी वैक्सीन का निर्यात करने लगा। भारत की इस कामयाबी को 31 जनवरी 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने यूं याद किया है। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत
दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है, हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। बीजापुर जिले में पुलिस ने कछला नारी के जंगल से 5 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। घटनास्थल से पुलिस ने 5 किलो वजनी टिफिन बम और बिजली के तार के अलावा विस्फोटक बरामद किए हैं। वहीं बीजापुर जिले के ही नेलसनार इलाके में तलाशी अभियान पर निकले सुरक्षा बल की टुकड़ी का एक जवान प्रेशर बम की चपेट में आने से घायल हो गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया है। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी बैकुंठपुर जिले के गड़तर जंगल में कल शाम हुई छुई मिट्टी की खदान धसकने से 4 लोगों की मौत हो गई है। राहत दल के कर्मचारियों द्वारा 3 महिला और 1 पुरुष के शव को निकाल लिया गया है। इन शवों को पोस्टमार्टम के लिए बैकुंठपुर मुख्यालय भेजा गया है। उधर जगदलपुर के नगरनार गांव में तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। तीनों बच्चों की उम्र करीब 8 वर्ष बताई गई है। बताया गया है कि स्कूल से छुट्टी होने के बाद ये तीनों बच्चे घर न जाकर तालाब में नहाने के लिए चले गए थे। नहाते समय अचानक गहरे पानी में चले जाने से डूबने के कारण उनकी मौत हो गई। बस्तर जिले के आमाबाल गांव में कल रात शादी समारोह के दौरान अज्ञात लोगों ने दुल्हा दुल्हन और कुछ अन्य लोगों पर तेजाब छिड़क कर उन्हें घायल कर दिया। उस समय शादी की रस्म चल रही थी। इस घटना में काफी लोगों के झुलसने की भी खबर है। इस घटना में गंभीर रूप से घायल लोगों को जगदलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क को चौड़ा करने के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरकर एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत होने की खबर मिली है। घटना से नाराज परिजनों ने मृतक के शव को सिविल लाइन थाने में रखकर प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यपालन अभियंता, सब इंजीनियर और संबंधित ठेकेदार पर अपराध दर्ज कर लिया है। यह घटना उछलापुर इलाके में सिद्धि विनायक कॉलेज के पास की है। मिली जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और ठेकेदार ने सड़क निर्माण के दौरान करीब 10 फीट का गड्ढा खोदकर उसे खुला छोड़ दिया था। मौके पर न ही कोई बैरिकेडिंग की गई थी और न ही लोगों के सतर्क रहने के लिए संकेतक लगाए गए थे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर कटनी रेलखंड पर कल सुबह सिंहपुर स्टेशन में मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण इस मार्ग पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार आज चिरमिरी अनूपपुर ट्रेन के अलावा चिरमिरी कटनी, बिलासपुर शहडोल और शहडोल अंबिकापुर ट्रेन को रद्द किया गया है। इसके साथ ही जबलपुर अंबिकापुर, इंदौर बिलासपुर और रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है। वहीं अमरकंठ एक्सप्रेस, सारनाथ एक्सप्रेस और नवतनवा एक्सप्रेस को गोंदिया के रास्ते चलाया जा रहा है। भारतीय सेना में अग्निवीर सैनिक बनने के लिए छत्तीसगढ़ के नौजवान काफी उत्साह दिखा रहे हैं। अग्निवीर सैनिकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा बीते 17 अप्रैल से शुरू हो गई है, जो 26 अप्रैल तक चलेगी। इस दौरान हर दिन 3 पालियों में परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार भारतीय सेना की वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य में ऑनलाइन परीक्षा के लिए रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में केन्द्र बनाए गए हैं। रायपुर स्थित सेना भर्ती कार्यालय के प्रभारी अधिकारी राधेश्याम ने बताया कि सामान्य अग्निवीर सैनिकों की भर्ती के लिए 21 अप्रैल तक परीक्षा होगी। इसके बाद 24 से 26 अप्रैल तक अग्निवीर, धर्मगुरू और फार्मेसी सहायक के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा दी जाएगी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तेज कुंवर नेताम ने 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए महिला और बाल विकास विभाग तथा सभी जिलों को पत्र लिखकर समय रहते बाल विवाह की रोकथाम की कार्रवाई एक अभियान के रूप में योजनाबद्ध तरीके से करने को कहा है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह होने की स्थिति में दोषियों के विरूद्व कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। सुकमा जिले के माओवाद प्रभावित क्षेत्र में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की 223वीं बटालियन के मुख्यालय में स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में सीआरपीएफ के जवानों ने देश के अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य प्रस्तुत किए। साथ ही इन जवानों ने विभिन्न शौर्य खेलों का प्रदर्शन भी किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय स्कूली बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। और अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में करीब 4.5 करोड़ रूपये ऑनलाइन जमा कराए। मुख्यमंत्री ने आज अंबिकापुर में नवनिर्मित ट्रांजिट हॉस्टल का लोकार्पण किया।
राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष में शासकीय सेविकों और उनके आश्रित परिजनों के इलाज के लिए राज्य के बाहर 41 अस्पतालों को मान्यता दी है। पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज नवा रायपुर स्थित होटल प्रबंधन संस्थान में 50 सीट वाले छात्रावास भवन का शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड द्वारा आयोजित हाईस्कूल हायर सेकेंडरी पत्राचार पाठ्यक्रम परीक्षा और उर्दू अदीब उर्दू माहिर प्रमाण पत्र परीक्षा 25 अप्रैल से शुरू होगी। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा इन दिनों कोंडागांव में हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई गई है। बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप ने इसका शुभारंभ किया। बीते 18 अप्रैल से शुरू हुई यह प्रदर्शनी 27 अप्रैल तक चलेगी। जिला पंचायत दुर्ग के क्षेत्र क्रमांक 6 के उपचुनाव के लिए कल 21 अप्रैल से निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं है वे आवेदन प्रस्तुत कर इसमें अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। दुर्ग जिले के मरोदा इलाके में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 9 किलो गांजा जब्त किया है और छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के निर्देशन में दुर्ग जिला शतरंज संघ द्वारा 17 वर्ष से कम आयु समूह के लिए चयन स्पर्धा दुर्ग में शुरू हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने आज राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना की शुरूआत की। नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया ने कार्य में लापरवाही बरतने पर बड़े बचेली के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निलंबित करने के साथ ही चिरमिरी नगर निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया। स्ट्रीट लाइट वेंडर का ठेका निरस्त करने के दिए आदेश। बीजापुर जिले में कचलावारी के जंगल से 5 माओवादी गिरफ्तार। नीलसनार इलाके में प्रेशर बम की चपेट में आने से 1 जवान घायल। और बिलासपुर कटनी रेलखंड पर कल हुए हादसे के बाद आज भी प्रभावित रहा रेल यातायात। कई ट्रेनों को रद्द करने के साथ ही कुछ ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से चलाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।